ना चाहते हुए हमसे ऐसी गलतियां हो रही है जो हमको कभी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमसे क्या गलतियां हो रही है जिससे हम पापों के भागीदार बन रहे हैं और शायद भगवान हमसे नाराज हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चाहे अल्लाह बोल लो, आप चाहे भगवान बोल लो, आप चाहे गॉड बोल लो, हर धर्म के एक रूल होते हैं, पर भगवान सबके एक ही होते हैं। आजकल हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान नाम का शब्द का प्रयोग कहीं भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए, आपने कितनों के हाथ में, गर्दन में, बॉडी में भगवान के नाम के टैटू देखे होंगे या फिर आपने भी बनाए होंगे। आप याद कीजिए कि आपने कितनी गाड़ी में भगवान नाम का प्रयोग देखा है, जो कि शायद आगे कांच में लगा हो या पीछे कांच में लगा हो, या उसी गाड़ी में भगवान की कोई मूर्ति लगी हो। हम सब ने भगवान नाम का प्रयोग तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भी किया यार। कितनों के मोबाइल में वॉलपेपर में भगवान की फोटो लगी है, कितनों के मोबाइल में भगवान की रिंगटोन लगी हुई है, कितने लोग कीरिंग के रूप में भगवान की आकृति की कीरिंग लेकर घूमते हैं। जैसे ही कोई त्योहार आता है और सुबह आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हो तो आपको शायद लक्ष्मी जी, गणेश जी, ना जाने कितने भगवानों की फोटो दिखती है। कितने लोग भगवान नाम की शर्ट, टी शर्ट, पैंट पहनते हैं। पहले दिवाली के समय जिस भगवान की हम पूजा करते थे, लक्ष्मी जी, उन्हीं के नाम के बम फोड़ते थे, आप सोचिए। और अभी भी कई लोग बम के नाम पे लक्ष्मी बम ही मांगते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ, कितने लोगों के व्यवसाय में भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, कितने सारे धंधे भगवान के नाम से चल रहे हैं। मैं अभी बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो चीजें मुझे याद आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं कल परसों पार्क में बैठा था और मुझे एहसास हुआ कि हम यार भगवान के नाम का कितना ना चाहते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। हम सब ना जाने कितने पापों के भागीदार बन रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, मेरे हाथ में भगवान का नाम लिखा हुआ है, मान के चलिए मेरे हाथ में महादेव लिखा हुआ है क्योंकि मैं महादेव का भक्त। मैंने भगवान का नाम अपनी संतुष्टि, अपनी श्रद्धा बोल लो उसके लिए हाथ में लिख लिया, पर मैं जब कोई गलत काम कर रहा हूँ मैं उन्हीं हाथों से भगवान की पूजा भी कर रहा हूँ, उन्हीं हाथों से जल भी चढ़ा रहा हूँ और उन्हीं हाथों से शायद स्मोकिंग भी कर रहा हूँ, उन्हीं हाथों से शायद अल्कोहल का कंजप्शन भी कर रहा हूँ, उन्हीं हाथों से शायद नॉनवेज भी खा रहा हूँ, उस समय वो भगवान का नाम कहीं नहीं जाने वाला है। वो भगवान का नाम वहीं पे लिखा है, पर मेरी दिमाग, मेरी अंतरात्मा भूल चुकी है कि मैंने भगवान का नाम लिखा था। जब मैं साबुन से हाथ धो रहा हूँ तब वो पानी वहां से होते हुए उस नाम के ऊपर जा रहा है, मुझे कितना पाप लग रहा है। जब मैं मुंह धो रहा हूँ तो वो पानी ऊपर से गिर के मेरे पैरों में गिर रहा है, मुझे कितना पाप लग रहा है। वो पाक साफ नाम जो मैंने अपनी श्रद्धा के लिए लिखा था वो नाम एक मजाक बन के रह गया है, और ये हम सबके साथ हो रहा है। जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम से वापस हाथ धो रहा हूँ तो सोचो वो गंदा पानी वो नाम के ऊपर पड़ रहा है, कितना पाप लग रहा होगा। तो आपको नहीं लगता जो पाक साफ नाम है, जो आपने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अंतरात्मा से लिखवाया था, वो पाक साफ नाम के सामने हम चार दोस्तों के साथ बैठे और गंदी बातें कर रहे, वो पाक साफ नाम के सामने हम गालियां दे रहे, वो पाक साफ नाम के सामने हम लड़कियों को बेइज्जत कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और हम बोलते बड़ी श्रद्धा से हम बड़े महादेव के भक्त हैं, वो नाम हमने यहाँ पे गुदवा लिया। मैं सिर्फ एक नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में कई नाम होते हैं, वो कोई भी नाम अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग हाथ में लिखवाते हैं। अब मैं आप पे ये बस छोड़ देता हूँ कि ये नाम जो आपने लिखवाया ये श्रद्धा के चलते लिखवाया या फिर शो ऑफ के चलते, ये आपको डिसाइड करना है। बट हाँ, वो नाम की वजह से हमको पाप बहुत ज्यादा लगना चालू हो गए, और यही बात फॉलो होती है कार या बाइक में। हम अपनी कार के सामने भगवान की आकृति, मूर्ति कुछ भी लगाते हैं, कार के ऊपर नाम लिखवाते हैं या फिर बाइक में वो बाइक में लिखवाते हैं। हम बड़े ही श्रद्धा से वो नाम लिखवाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, पर यार जब हमारी बारी आती है तो हम कहाँ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा ये बात? उसी कार में जहाँ पे आप रोज अगरबत्ती लगाते हो, शाम को आप दोस्तों के साथ बैठते हो और नॉनवेज खाते हो, उसी कार में आप अल्कोहल पीते हो, उसी कार में आप गंदी गंदी बातें करते हो और भगवान की मूर्ति या फोटो, वो नाम जो विंडस्क्रीन पे लगा हुआ है, वो आपके सामने है, तब आपकी श्रद्धा कहाँ जाती है? आपको कितना पाप लग रहा है आपको पता है? हम सब पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। कीरिंग, आजकल कीरिंग में भी भगवान की मूर्तियां फोटो आती है। अब आप इस चीज को समझो, हमने बड़े ही श्रद्धा से, श्रद्धा बोल लो या फिर ये समझ लो कि हमारे लिए भगवान एक खिलौना रह गया, हमने वो कीरिंग ली, जेब में डाल ली, हमने वो कीरिंग ली, ऊपर डाल ली, वो शायद पैंट 10-15 दिनों से धुला भी नहीं है, कितना पाप लग रहा होगा यार। हमारे पैंट में ना जाने इससे पहले हमने क्या क्या रखा होगा,
आपको नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है? और हम जो बोलते हैं ना, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला हमारी सुन ही नहीं रहा, हमारे साथ चारों तरफ से मुसीबतें आ रही है, शायद हमारी छोटी छोटी हरकतें जो हो रही है ना, इन सबसे आ रही है, क्योंकि वो खुशी नहीं हो रहा है। हम सुबह तो अगरबत्ती लगा लेते, शाम को उसी के सामने, उसी नाम, उसी मूर्ति, उसी आकृति के सामने हम आलतू फालतू गंदी चीजें करते, और फिर हम बोलते हैं हम तो भक्त हैं। मोबाइल में वॉलपेपर भगवान के लगा लेते, पर हमको ये नहीं पता जब उसी मोबाइल में हम शाम को कुछ आलतू फालतू चीज देखते हैं, टेक्स्ट करते हैं, गाली लिखते हैं, ऑडियो भेजते हैं, तब वहां पे भगवान का वॉलपेपर भी लगा हुआ है। मोबाइल में रिंगटोन और डायल टोन भगवान की होती है, पर सुबह से शाम हम जो गलत काम करते हैं, कम से कम हमारे सामने वो फोटो है तब हम ना करें इससे अच्छा, पर हम वो भी भूल जाते हैं कि हम तो करेंगे। हम भूल ही जाते हैं कि हमने फोटो लगाई है, हमने डायल टोन लगाई है, हमने वॉलपेपर लगाया है। कितना पाप यार, कितना पाप लग रहा होगा। शर्ट में राम भक्त, शर्ट में ना जाने क्या क्या, यार वो शर्ट धुली है नहीं धुली है, हमारा पसीना, हमारी गंदगी उस नाम के साथ मिल रही है। वो नाम कितना ज्यादा पवित्र है, हम ये चीज भूल जाते हैं यार। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान को सामने लाके नहीं रख सकते कि नहीं हमारे हिसाब से चलो, हमें ये चीज फिर से याद करनी पड़ेगी कि हम सब उसकी लीला है और उसको हर्ट करना हमारा अधिकार ही नहीं है। हमको उसके कहे अनुसार चलना है, ना कि वो हमारे कहे अनुसार चले। यार हमारे व्यवसाय में भी हम भगवान का नाम जोड़ चुके हैं, और व्यवसाय में भगवान का नाम जोड़ने के बाद पूरे व्यवसाय में काले काम कर रहे हैं, तो ये भी पाप के भागीदार हैं हम। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपसे कभी भी गलती होती है आपके बिजनेस के बिहाफ में, तो आपका जो व्यवसाय का नाम है शायद उसको भी गाली पड़ती होगी, मतलब आपने जिस भगवान का नाम रखा होगा उसको भी गाली पड़ती होगी। रिश्वतखोरी, काला धन का लेना देना, किसी को हर्ट करना, ये सब भगवान और धर्म के खिलाफ है, पर हम व्यवसाय में ये ही करते हैं और उस व्यवसाय में ये भूल जाते हैं कि भगवान का नाम भी ऐड है। तो कहां से होगी यार बरकत, कहां से होगी? हम सब जब सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं ना, तो उसमें भगवान की फोटो लगी होती है। अरे कितने लोग है जो उस भगवान की फोटो को कट करके अपने घर में लगाते होंगे, न्यूज़पेपर वाले शो ऑफ करने के लिए वो भगवान की फोटो प्रिंट करके दे देते हैं, और 100 में से मुझे नहीं लगता 50 लोग के ऊपर वो फोटो को इंसान लगाता होगा घर में। उसके बाद क्या, उसके बाद आप नहीं जानते क्या, वो न्यूज़पेपर कबाड़ी के भाव शायद कबाड़ी वालों को बिक जाता है। वहां से वो न्यूज़पेपर कहां कहां जाता है, जो लोग खरीदते, शायद जो लोग भेल देते हैं, जो लोग गुपचुप देते हैं, जो लोग कोई भी आइटम पैक करके देते हैं, और जब आप वो आइटम खोलते हो तो भगवान की फोटो दिखती है। ये है हमारी आस्था। वो पेपर कई बार सड़क में फेंके हुए दिखते हैं, कई बार हम उस पेपर के ऊपर पैर रख देते हैं क्योंकि वो गंदगी है और वो गंदगी में भगवान की फोटो है। तो क्या ये है हमारी आस्था भगवान के प्रति? हाँ मैं मानता हूँ ये सब चीजें जाने अनजाने में होती है, पर जाने अनजानी में भी क्यों? और मैं आप सबको ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी इस चीज को पर्सनल ले रहा है तो प्लीज पर्सनली ना ले। एक लॉजिकल पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पुण्य से ज्यादा पाप कर रहे हैं इन सब चीजों के कारण। तो लास्ट में मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि जिसकी जगह जहाँ पे है वो वहीं पे रहना चाहिए, उसकी जगह हटा के हमको नई जगह नहीं देनी चाहिए, और ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी वजह से हम है, उसकी लीला है हम, हमारी लीला वो नहीं है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई सोच और नई जानकारी के साथ। राधे राधे।